এখন এসপি অফিসে প্রধানমন্ত্রীর যে এসপিজি কনভয় সেটা পৌঁছচ্ছে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। এইখানে এসপি অফিসে উচ্চ পর্যায়ের কিভাবে তদন্ত হচ্ছে বৈঠক করে সেটা খতিয়ে দেখার চেষ্টা করবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং বিশেষ কোনো নির্দেশ দেন কিনা নিঃসন্দেহে সেদিকেও নজর থাকবে। में वे पहुंच चुके हैं, उनका काफिला देखिए, ये काफिले के पीछे की गाड़ियां हैं जो एसपी दफ्तर की ओर मुड़ रही हैं और प्रधानमंत्री एसपी दफ्तर में पहुंच चुके हैं। यहां पर दो तरह का एजेंडा, जैसा कि मैं आपको पहले बता रहा था, एक एजेंडा ये है कि जो लोग इस हादसे में मृतक हुए थे उनके परिजनों से मिलना है। ये लिस्ट मेरे पास में है, 26 लोगों की ये लिस्ट है जिसमें कि उन तमाम लोगों के नाम हैं जो कि जिनसे मुलाकात करने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अभी इन लोगों से मुलाकात करेंगे, इन परिजनों से मुलाकात करेंगे, उनके प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करेंगे, उन्हें सांत्वना देंगे और उन्हें ये संदेश देंगे कि ऐसी मुश्किल की घड़ी में, ऐसी मुसीबत की घड़ी में देश का प्रधानमंत्री आपके साथ खड़ा है, आपके साथ में मौजूद है। ये एक एजेंडा होगा। दूसरा, यहाँ पर वे अधिकारियों के साथ में मुलाकात करने वाले हैं, जो मोरबी नगर पालिका है उसके आला अफसर यहाँ पर रहेंगे, जो जिला अधिकारी हैं वो यहाँ पर रहने वाले हैं, पुलिस के जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर रहेंगे, उनके साथ में एक बैठक भी होने वाली है। करीब 15 से 20 मिनट तक ये बैठक यहाँ पर चलेगी और उसके बाद में प्रधानमंत्री वापस जो है रवाना हो जाएंगे दिल्ली के लिए। तो इस वक्त प्रधानमंत्री इस एसपी दफ्तर में मौजूद है, अंदर आला अधिकारियों के साथ में मुलाकात कर रहे हैं और जो 26 लोगों के नाम मैंने आपको बताए हैं उन 26 लोगों में से भी तमाम लोग पहले ही उनके आने के करीब घंटे भर पहले ही यहाँ पर पहुंच गए थे और प्रधानमंत्री मोदी का इंतजार कर रहे थे। दरअसल देखिए शोभना, उनके इस विजिट से यहाँ पर मोरबी में, उनके इस दौरे से एक तरह से संदेश देने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि जिस तरह का हादसा हुआ था उससे पूरा देश दहल गया और ऐसे मौके पर मोरबी आकर प्रधानमंत्री ये संदेश देना चाहते हैं कि इतने बड़े हादसे के वक्त जो भी लोग इसके भुक्तभोगी हैं, जो भी लोग इसके शिकार हुए हैं, उन तमाम लोगों के साथ देश का प्रधानमंत्री खड़ा है, उनके दर्द को वो महसूस कर सकता है और उसी दर्द पर मरहम लगाने के लिए प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुंचे हैं। ये बात जरूर है कि इस पर राजनीति भी हो रही है, सवाल भी उठाया जा रहा है कि आखिर जो है प्रधानमंत्री हादसे के तीसरे दिन यहाँ पर क्यों पहुंचे, जब हादसा हुआ था तो उसके तुरंत बाद यहाँ पर प्रधानमंत्री क्यों नहीं आए। दो तरह के पॉइंट ऑफ व्यू है। मोरबी सिविल হাসপাতালে এই মুহূর্তে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী রয়েছেন এবং তার আগে যে অভিশপ্ত সেতু, সেই সেতু পরিদর্শনে যান প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, পুরো বিষয়টা খতিয়ে দেখেন এবং যারা উদ্ধার কাজ চালাচ্ছেন তাদের সঙ্গে আলাদাভাবে কথা বলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এই হচ্ছে সিভিল হাসপাতালের ছবি। কিছুক্ষণ আগে প্রধানমন্ত্রীর কনভয় সেখানে এসেছে এবং এই হাসপাতালের যে দোতলায় যে 6 জনের চিকিৎসা চলছে, যারা এই ভয়াবহ ব্রিজ বিপর্যয়ে আহত হয়েছিলেন, তাদের সঙ্গে কথা বলছেন। की मौत हो जाना, वो भी मानवीय त्रासदी की वजह से, मानवीय भूल की वजह से, लोगों के इस घनघोर तरीके से जो उन लोगों की ओर से अपने कामकाज को अंजाम दिया गया गलत तरीके से, मुनाफाखोरी के लिए, पैसे कमाने के लिए, इसके लिए, इसी वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये जो मीटिंग करने वाले हैं, देखिए हम सब जानते हैं, चाहे वो उनकी पार्टी का हो, चाहे वो दूसरी पार्टी का हो, चाहे कहीं का भी हो, प्रधानमंत्री का अब तक का अगर पिछले 2001 से 2022 तक का पूरा कार्यक्रम आप देखेंगे तो उनकी पार्टी के लोगों की ओर से भी अगर इस पूरे मामले में कहीं भी लापरवाही बरती गई होगी, जो जानकारी हमें मिल रही है, तो उनकी भी सजा सुनिश्चित की जाएगी। क्योंकि यहाँ पर अगर हम देखें, ये उनकी जिम्मेदारी बनती है। गुजरात के राज्य के लोगों ने आंख बंद करके सिर्फ नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट दिया है, चाहे वो 2002 हो, चाहे वो अब 2019 की हम बात करें, पूरी की पूरी सीटें 26 की 26 सीटें नरेंद्र मोदी के चेहरे के नाम पर यहाँ की लोकसभा की चली जाती है। यही वजह है कि यहाँ के लोगों को देखे मुख्यमंत्री कौन रहता है, कौन बदल जाता है, कौन गृह मंत्री बनता है यहाँ पर स्थानीय स्तर पर राज्य का, उससे यहाँ के लोगों को मतलब नहीं है।